Hello, hello everyone. नाव वी आर कंटिन्यूइंग विद दी चैप्टर टू ऑफ सिविक्स जिसमें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस फीचर्स जो हैं बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस करें एक, एक करके अब नाओ वी हैव कम ऑन टू दिक्कस पॉइंट दैट शोज दैट इंडिया इज या दैट टेल्स अस दैट इंडिया इज़ अ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो जब हम बात करें इंडिया की कि इंडिया एक सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपको इन तीनों टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए मैंने आपको चैप्टर वन में भी एक्सप्लेन की थी बट स्टिल इफ़ यू डोंट रिम्बर आई एल एक्सप्लेन अगेन सॉवरन वर्ल्ड का मतलब हो गया कि हम सॉवरन हैं मतलब कि हम अपनी कंट्री की इंटरनल पॉलिसीज या एक्सटर्नल पॉलिसी मतलब हम अंदर अपने क्या लॉ एंड ऑर्डर क्या बनाएंगे क्या रूल्स फॉलो करेंगे या हमारे uh, दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन कैसे होंगे जो हम कहते हैं ना कि बाकी जो दुनिया में है उसमें जो कंट्रीज़ हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर होते ना तो वो सारे रिलेशन क्या पॉलिसी हम डिसाइड करेंगे हमें किसी हम इंडिपेंडेंट हैं हमें किसी के दबाव में नहीं रहना है अब तो हम साइंटिफिकली बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं चंद्रयान हमारा लैंड होने वाला है चंद्रयान थ्री तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनी फॉरेन पार और हम किसी के अंडर नहीं हैं हम एक सॉवरेन कंट्री हैं एंड वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी बडी फॉर आर इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स तो वी आर अ सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट सॉवरन का मतलब यह हो गया कि हम किसी की पॉलिसीज को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हो गया कि हम अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट करते हैं बाय द पावर ऑफ द वोट वोट की जो पावर दी है हमें गवर्नमेंट ने कि 18 इयर्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की पॉलिसी के थ्रू 18 इयर्स एंड अब एवरीबडी एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज एन टू वोट ये शो करता है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वी आर अ डेमोक्रेसी यंग डेमोक्रेसी है uh, is, अगर हम कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया स्टिल अ यंग डेमोक्रेसी ओके देन रिपब्लिक वी आर अ रिपब्लिक क्यों क्योंकि हमारा जो रूलर है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आता है कोई हरारकी नहीं है मोनार्की नहीं है कि हाँ जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा क्वीन है तो उसके जो जो प्रोजनी है जो उनके जो चले आ रहे हैं पुश्तें है, जो चली आ रही हैं जो उनके लेगेसी है वो उनको ट्रांसफ़र होगी ऐसा नहीं है हमारे यहाँ जो लीडर है हमारा वो इलेक्टेड होगा आप प्रॉपर uh, इलेक्शंस के थ्रू हम सिलेक्ट करेंगे इलेक्ट करें एक लीडर को एंड दैट विल बी दे जो हमारा कैबिनेट हेड होता है प्राइम मिनिस्टर होते हैं या स्टेट की टर्म्स uh, में देखें तो सी एम होते हैं स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स तो ये तीनों वर्ड्स का मतलब ये हो गया है कि वी आर अ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अब हम इसको देख लेते हैं इंडिया इज सॉवरन का मतलब हो गया इंडिया इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनी फॉरन पार इधर फॉर इट्स इंटरनल पॉलिसी और फॉर इट्स एक्सटर्नल अफेयर्स एंड सो इट इज़ अ सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट हमें किसी से कोई मतलब नहीं है आप कोई भी पॉलिसी फॉलो करो मत करो हमारे जो हमें अच्छा लगेगा हमारी जो पार्लियामेंट अप्रूव करेगी हम वो पॉलिसीज फॉलो करेंगे राइट देन वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है इंडिया बिकॉज द रियल पार एमिनेट्स फ्राम द पीपल द इट इज़ अ स्टेट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल द हमारे जो एग्ज़ैकटिव हेड एग है अच्छा हम डेमोक्रेसी की बात हो गई अब हम बात करें तीसरा वर्ड जो है हमारा वो क्या है रिपब्लिक रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा एग्जैक्टिव हेड एग है जो कि हमारे प्रेजिडेंट हैं जो कि ओवरऑल हैड हैं सब चीज़ों के आ, वो जो हैं वो हेरिटेटरी रूलर नहीं हैं कि हेरिडिटरी नहीं है कि प्रेसिडेंट का बेटा ही प्रेसिडेंट बनेगा नो ही इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज एक सेपरेट प्रोसेस होती है प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने की वो आप पढ़ेंगे आगे uh, जैसे कि क्वीन और किंग ऑफ इंग्लैंड होते हैं तो इंडिया जो है हमारी रिपब्लिक है क्योंकि हमारा जो लीडर है दैट हैज़ बीन इलेक्टेड बाय द पब्लिक और बाय द रिप्रजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक इन द केस ऑफ प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर इज डायरेक्टली सिलेक्टेड और इलेक्टेड बाय दी पब्लिक और फिर कैबिनेट अप्रूव करती है कि हाँ ये हमारा हेड होगा और प्रेसिडेंट जो है उनको इलेक्टोरल कॉलेज सिलेक्ट करता है जिसकी कि इन दे आर इन इन टर्न सिलेक्टेड बाय दी पीपल वो अलग तरीके से सिलेक्ट होके आते हैं सो so, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो कंट्री है इट इज़ अ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओके दैट्स इट नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक